बोलो हर अंधकार की शक्ति जो बीमारी का कारण बनी हुई मेरी लाइफ के बीच, जो निराशा का कारण बनी हुई है, फेलियर का कारण बनी हुई है, बोलो ओ अंधकार की शक्ति पवित्र आत्मा की अग्नि में बढ़े और आज मेरी जिंदगी के बीच नाश हो जाए। बोलो मैं रिलीज कर दूं फायर को उस अंधकार की शक्ति होते, उस बीमारी की आत्मा होते, उस निराशा की आत्मा होते, उस शर्मिंदगी की आत्मा दे होते। बोलो होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस। बोलो आ गए पवित्र आत्मा की मेरे बिजनेस पे, मेरी जॉब पे, मेरी फैमिली पे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर पीढ़ियों का शराब, हर पीढ़ियों का बंधन जो मेरा पीछा करता आया है, आज इस प्रेयर के द्वारा आपकी डिलीवरेंस हो रही है। बाप दादों की गलतियों की सजा आप भुगत रहे हैं, अपने पिता की गलती की सजा आप भुगत रहे हैं। आप सोचते मैं तो गुड हूं, मेरे साथ क्यों? आपके बाप दादों की गरीबी में रहना आज आपकी गरीबी में रहने का कारण बना हुआ है। आपके बाप दादों में बच्चे की आशीष ना होना, कि लड़कियां ही पैदा होना, कोई भी लड़का ना पैदा होना, उसकी सजा आप आज आप भुगत रहे हैं। बाप दादा कैंसर के द्वारा मृत्यु, HIV, शुगर, दमे की प्रॉब्लम जो पीढ़ियों से आपके बाप दादों से, एलर्जी की प्रॉब्लम, फेलियर की प्रॉब्लम जो आपके बाप दादों से, कि आपका फादर सफल नहीं हुआ और आप भी सफल नहीं हुए। प्रभु ने कहा तू जनरेशन तू चेंज करेगा, तू चेंज करेगा जो पीढ़ियों से चलता आया है। बोलो आज मैं चेंज करूंगा उसे यीशु के नाम पे। आज से वो मेरा हिस्सा नहीं होगा। जो संघर्ष मेरे बाप दादों ने किया उसे मैं ना करूंगा। आज मैं आजाद होऊंगा, आज वो बंधन मेरा टूट जाएगा। इस मास प्रेयर में, इस फायर प्रेयर में मेरा यहोवा मुझे आजाद करेगा, मेरा बिलीवर। आप नहीं जानते कि आपकी प्रॉब्लम के पीछे, हो सकता है आप सोचे मैं तो पवित्र आत्मा पाया हूं, मैं तो बड़ा हुआ हूं, मैं तो बहुत समय से मसीह में हूं, पर आपको नहीं पता कुछ चीजें अभी भी होली स्पिरिट बता रहा है। बाप दादों के रिलेशन, उनके कारण आपके जीवन में अभी भी उसका असर काम कर रहा है। वो जादू टोना, वो प्रभाव, वो कुछ भी है, चाहे वो आपकी गरीबी हो सकती है, चाहे वो आपका बांझपन हो सकता है, चाहे आपका सफल ना होना, चाहे आपकी मैरिज लेट होना। बाप दादों की मैरिज लेट हुई, आपकी भी लेट। इन जनरेशन गर्ल्स को कि किसी भी लड़की की लाइफ सेट नहीं फैमिली में, इन गर्ल्स को आपको याद करके इस समय तोड़ना होगा। महसूस करो कौन सा कर्ज, कौन सा श्राप आपकी लाइफ में, फैमिलियों से आपके जीवन में काम कर रहा है। मैंने उसे चेंज किया अपनी फैमिलियों में, मेरी फैमिली ने सब कुछ खोया और मैं उसे दोबारा सब कुछ प्राप्त कर रहा हूं जो खोया गया है। आप भी आज करेंगे कि मैं भविष्यवाणी करता हूं शुभ नाम में, जो मेरी फैमिलियों ने खोया आज मैं उसे प्राप्त कर रहा हूं बाय गॉड ग्रेस। आप भी आज के बाद प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में जो प्रॉपर्टी, जो बैंक बैलेंस, जो आज से आपकी फैमिली ने खोई है, आप आज के बाद प्राप्त करेंगे। वो प्लांट खरीदेंगे, वो पैसा वापस आएगा, वो सफलता वापस आएगी। मैं आपको ब्लेस करता हूं इस पर बड़ी गॉड के साथ। अगर आप में ऊंचा है वो कल्लाहंदर पावरलेस करो हर शैतान की आत्मा, वो तो हर अशुद्ध चीज जो घर में मेरे पड़ी हुई है पर उसे मैं उठा नहीं सकता, वो तो हर अशुद्ध चीज, हर वो मूर्ति पूजा जो मेरे घर में है मैं उसे उठा नहीं सकता क्योंकि मेरा घराना मसीह नहीं है। बोलो हर उस चीज की ताकत को जो मेरे ऊपर असर कर रही है मैं उसे पावरलेस करता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, जेस वर्डन प्रेयर है, करो 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 यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करो उन चीजों के ऊपर फायर जो अपने घरों में, जो अपने घरों में, रिलीज करो, रिलीज करो जो अपने घरों में है उन चीजों को आप उठा नहीं सकते और आपके ऊपर असर कर रही है। चर्च में आते आप वेरी गुड है,
आप घर में जाते हैं फिर वो इन चीजों को आते हैं, वो बंदर, वो जनरेशन कर्ज, उनका प्रभाव टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं शक्तियों को पावरलेस करता हूँ, उस मूर्ति पूजा की शक्ति को, उस पीढ़ियों के श्रापों को, आपके घर के ऊपर जो श्राप है, मैं ऐसे लोगों को आजाद होते देख रहा हूं जिनके घरों में शैतानी कब्जा है। शैतान चाहता है कि आप इस घर को छोड़े, आपने आगे आना है इसी वक्त और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, और वो डेविल आपको छोड़कर जा रहा है इस समय। उन लोगों को आगे आना है, ज्यादा गिनती में नहीं, सिर्फ सीरियस लोगों को। आपके घरों में लोगों ने बोला, पंडितों ने बोला, लोगों ने बोला, आपको भी डेविल बोलता है, सपने में आता है कि इस घर को छोड़, तू इस जिगर मेरा है जब तक तू निकलेगा नहीं, जिगर मेरा है जब तक तू जाएगा नहीं, मैं तुझे परेशान करना छोड़ूंगा नहीं। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आपने आगे आना है, भाइयों में से बहनों में से आपके लिए ले हैंड होगा और आप फ्री होंगे और डेविल वो आपको टच ना करने पाएगा। बाकी सब अपने हाथों को उठाओ, रापा लाहद, अगर आप आगे नहीं आएंगे तो मौका बार बार नहीं आएगा डिलीवरेंस का। रोता रापा लादा नमसा जिनको आप निकाल नहीं सकते, उस नशीली चीजों को, उस मूर्ति पूजा की चीजों को जो आपके समझाने के द्वारा, कहने के द्वारा नहीं बढ़ सकती, रिलीज करो फायर, क्योंकि आपके वो जो मसा आएगा, यही मसा आपके घर में उस डेविल को निकालेगा। बोलो मैं तैयार हूं, बोलो ए शैतान की आत्मा, ए शैतान की आत्मा, वो घर मेरा है, प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उसे छीनने न दूंगी। आज मैं यीशु के सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर की मसा को ग्रहण करूंगा। मैं उस गद्दे नहीं जाऊंगी जाऊंगा शैतान आदि गुजर जाना होगा। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य आज उस हाथ से तुझे निकालूंगा। आज तेरा लास्ट दिन है, आज मैं तेरे निकालूंगा इस नाम दे विच। आज तू फिनिश है, क्योंकि आज तू परफेक्टली पकड़ा गया। आज तेरे परमेश्वर ने अगे बनाया तेन कट्टन दे लई, इस शैतान तैयार हो जा निकलण दे लई, तैयार हो जा चरण दे लई, इन्हां दे घरां नूं छड्डण दे लई, जिन्हां ने मूर्ति पूजा कीती तुहाडे घरां उत्ते, जादू टोणा कीता तुहाडे घरां उत्ते, जिन्हां 30 साल 50 साल 35 साल हो चुके हैं, जां बाप दादे दी विरासत, जां कोई ऐसी जगह, हर घर विच जगह दी ताकत, बाकी सब जण रिलीज करो उन्हां ताकतां ते अग नूं अखां बंद करके, कि जेडी तुहाडे घर दे विच जिहनूं तुसीं उठा नहीं सकदे पर उहनां दी पावर तुहाडे ते असर कर रही है, उह धुआं तुहाडे ते असर कर रहा है, रिलीज करो होली गोस्ट। रे महंतो लमहस्तर कुकुर बखनबा, यीशु मसीह के नाम में अपने हाथ को उठाओ। बोलो याकूब के घराने में कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता, याकूब के घराने में कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता। याकूब के घराने में से यीशु मसीह पैदा हुए हैं और मैं यीशु के ऊपर बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं, इसलिए शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा जादू टोना, पीड़ियों के शराब, वो बंधन मेरा हिस्सा नहीं है। शैतान तुझे यहीं मैं स्टॉप करता हूं और तुझे मैं हुक्म देता हूं, यीशु मसीह के नाम में मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, मेरे फाइनेंस से, मेरी पत्नी से, पति से निकल जा। निकल, छोड़ की कन्या को, चल निकल मार, चलने के को गिरा के निकल मार, चल निकल,
इनके घरों पर जाएगी आग, घरों में शैतानी चीजें जल जाएं, राख हो जाएं। आप जो घरों में जाएंगे, शैतानी छुपे बंधन आपको जाहिर होते हैं दिखेंगे, वो चलते हुए दिखेंगे, वो जमीन में से उखड़ते हुए नजर आएंगे। जो लोगों ने जादू टोने शैतान ने आपके घरों में बांधा हुआ है, वो बंधन जाएंगे। मैं देख रहा हूं ऐसे व्यक्तियों को जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं पर बिक नहीं रही, उसके पीछे एक डेविलिश आत्मा का कारण है। आप अपनी प्रॉपर्टी को, प्लाट को सेल करना चाहते हैं, आमेन भी आप रिसीव करो। आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने प्लाट को सेल करना चाहते हैं पर आप उसे कर नहीं पा रहे। आप सोच रहे कस्टमर आया बात बन जाती है, पर जब नजदीक जाती है सब कुछ ठप हो जाता है। इसके पीछे एक डेविलिश आत्मा है जो आपको आशीष होने में रोकती है। इसके पीछे जो मैं आज यहाँ पर डिलीवरेंस प्रे कर रहा हूं कि आपके घरों में ऐसी आत्माएं जो आपके घरों में आपको परेशान करती है, जो आपको उस घर से निकलने के लिए बोल रही है, क्योंकि आप वहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और शैतान बोल रहे हैं वो मेरा घर है, वहां पर मेरी आराधना होगी। पवित्र आत्मा इस समय आपको आजाद कर रहे हैं। अगर आप आमीन बोल के रिसीव करेंगे तो मैं बोलता हूं आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आपकी प्रॉपर्टियां आजाद हो, आपके प्लाट, आपके घर आजाद हो शैतानी आत्मा से। होली घोस्ट फायर, 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 आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। दिस इज द नेम ऑफ जीसस। चला बाला राथो नमसा, चला आजाद हो, चल डेविल चिल्लाना शुरू कर इनके बीच में से और निकलना शुरू कर। मैं तुझे निकलने का हुक्म देता हूं, चल निकल बाहर इनके घरों से। चल बारा जिन्होंने घरों पर कब्जा किया है, वो शैतानी आत्मा को मैं चिल्लाने का और बाहर आने का, मुझसे बात करने का हुक्म देता हूं, मुझसे बात करने का उसे मैं हुक्म देता हूं शैतानी आत्मा को। शैतान चिल्ला और बारा, क्या ये बोलना शुरू करके क्या बोलना चाहता है, क्या करे उस घर में। तो टीम बीच जाओ, पीके का है, माइक लेके लोगों के बीच में जाओ, एक दो माइक लेके जाओ बीच में। ए शैतान चला, मैं देख रहा आपके घर में बरकत नहीं है। बरकत चुराने वाली आत्मा, बरकत चुराने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, चल आग पकड़, चल निकल बाहर, चल निकल। सुनो मेरी गल, अगर कोई ताड़ी प्रॉपर्टी होते ताड़े घर होते कब्जा कर ले कि तुझे बैठा रहन दोगे, दसो नहीं तुम तो केस करोगे अते उन्हें कब्जा छड़ना पड़ेगा। आज वचन दे द्वारा शैतान उते केस करो कि मेरे उते तेरा जादू टोना नहीं आ, मैं मसीह विच नई सृष्टि आ, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, अज तो बाद मैं नई सृष्टि आ। एक केस करो वचन दे द्वारा डेविल दे और ताड़े घरां नूं ताड़ी लाइफ नूं छड़ के जा रहे यीशु दे नाम च। लास्ट वचन दा अंगीकार करना सबके लिए, इह तुसीं समझ चुके हो, हुण आज लेवल ते प्रेयर होएगी। अपने तन उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मेरे घराने नूं आजाद कर। तुसीं कहो मेरा घर प्रार्थना दा घर होएगा, शैतान दा घर नहीं, दुष्ट आत्मा दा घर नहीं, शैतानी वर्शिप दा घर नहीं। बोलो मेरा घर अज तो बाद प्रार्थना दा घर होवे, मेरा घर। बोलो हर शैतानी धुआं जो मेरी फैमिली ते असर कर रहा है मसीह च आण तो, बोलो होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, जो मेरी फैमिली दे उद्धार नूं रोक रहा है, होली घोस्ट, होली घोस्ट। अज तो बाद भी देखोगे तुहाडी फैमिलियां प्रभु जा रही है यीशु दे नाम च, तुहाडा घराना इक मन हो रहा है यीशु दे नाम च। नंबर तीन तुहाडे घर च कलेश खत्म हो रहा है, नंबर चार तुहाडे घर च बरकत आ रही है, नंबर पांच ताड़ी फेलियर नहीं होगे हुण तुसीं, नंबर छे ताड़ा बिजनेस चलेगा, नंबर सात ताड़े लिए जॉब के रास्ते खुलणगे, जो तुसीं अप्लाई किते आ ओह ताड़े रिस्पोंस आणगे ओह कम्मां तों। मैं तुहानूं यीशु मसीह दे नाम च आजाद करदा और इह सब आशीर्वाद पूरे होण दी कोशिश करदा। अगर आमीन पहुंचा जोर नाल तारीफ करो परमेश्वर दी।